10:30 बज चुके हैं, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी और सुबह से ही लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से नीतीश कुमार राजधानी दिल्ली में मौजूद हैं अपने अधिकार की मांग को लेकर के। लेकिन वास्तव में अगर भीड़ नहीं जुटती है रामलीला मैदान में तो क्या उस उत्साह उस उमंग के साथ वापस वो बिहार जा सकेंगे, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। तमाम मेहमान स्टूडियो में हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन एक बार फिर से बिहार निवास का हम रुख कर लेते हैं। यतीन्द्र हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं और बिहार निवास में ही इस वक्त नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री अपने दलबल के साथ मौजूद हैं। एक बार फिर से हम चाहेंगे यतीन्द्र जरा तस्वीरें दिखाइए बिहार निवास की, और आपके साथ कुछ लोग भी नजर आ रहे थे, अगर बातचीत करने की कोशिश कीजिए क्योंकि जो निर्धारित समय था उससे तो देर होता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या ये लोग इंतजार कर रहे हैं कि पहले रामलीला मैदान में भीड़ बढ़ जाए उसके बाद ये लोग यहां से निकलेंगे? देखिए बिल्कुल, मैं आपको बिहार निवास का दृश्य दिखाना चाहूंगा कि लोग यहां से निकल रहे हैं और काफी लोग अभी भी बिहार निवास में जमा हैं, और क्योंकि 11 बजे का टाइम है और अमूमन जो राजनीतिक रैलियां होती हैं, राजनीतिक जनसभाएं होती हैं, वो हमेशा 1 से 2 घंटे लेट होती है क्योंकि कहीं नेता का इंतजार होता है और उनके जो राजनीतिक नेतृत्व होता है चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, वो इंतजार करता है कि उनके कार्यकर्ता वहां बड़ी संख्या में पहुंचे और उसके बाद राजनीतिक नेतृत्व पहुंचता है और फिर औपचारिक रूप से रैली की शुरुआत होती है। मेरे साथ कई यहां पर जेडीयू के कार्यकर्ता हैं। आप कब तक जाएंगे रामलीला मैदान, क्योंकि का समय हो चुका है और समय निकलता नहीं, है नहीं, रामलीला मैदान जाने के लिए तो अभी हम लोग तैयार हो रहे हैं, हमारे सीएम साहब आ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि हम लोग उस फाइट कर रहे हैं, पूरे स्टेट से फाइट कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से फाइट कर रहे हैं, जो एक बिहार स्टेट को अर्थात जितनी भी गवर्नमेंट बनी है सेंटर में उसने बिहार स्टेट को वैसे ही पिछड़ा देखा और सबने ऐसा ही देखा, पर एक नीतीश साहब एक अच्छे सीएम है और आज इतने सालों से कार्य कर रहे हैं, उन्होंने जो आवाज उठाई है उसको हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। मैं दिल्ली में ही रहता हूँ, बल्कि जितने भी जहां भी लोग हैं दिल्ली बिहार के जिस स्टेट में भी हो वहां उनको दुत्कारा जाता है, महाराष्ट्र हो या गुजरात हो अदर स्टेट हो, उनको एक हीन भावना से देखा जाता है। हम उसके लिए फाइट कर रहे हैं कि हाँ भी एक बिहार को एक दर्जा मिले, स्टेट मिले जो कि एक सुखमय जीवन हर कोई व्यतीत करे, जो दिल्ली में है जैसे हम है। अगर बिहार में हमें नौकरियां मिलती हम दिल्ली में नहीं आते, महाराष्ट्र। आप कहां से आए हैं और क्या उम्मीद है आपको इस रैली से, क्या लगता है कि केंद्र सरकार पर दबाव बने? बिल्कुल, हम बिहार से आए हुए हैं। माननीय नीतीश कुमार जी पिछले 5 वर्षों से बिहार के विशेष राज्य दर्जा के लिए लड़ाई शुरू की है, हस्ताक्षर अभियान से लेकर के आज हम लोग दिल्ली में कुछ किए हैं आम जनता को लेकर के। मुझे लगता है कि मेरा दबाव, हम लोग का दबाव माननीय नीतीश कुमार के सहयोग से केंद्र सरकार पर पड़ेगा और माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। चित्रा सुन सकते हैं कि इनको उम्मीद है, इनकी मांग और इनका जो दबाव है वो केंद्र सरकार पर जरूर पड़ेगा और केंद्र सरकार मांग जरूर पूरा करेगी। बिहार निवास का दृश्य आप देख ही रहे हैं कि ये लोग इंतजार कर रहे हैं अपने नेता नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री है बिहार के, उनके निकलने का और उसके बाद या उनके साथ ये लोग जाएंगे और करीबन 11 से 11:30 कुछ लोगों की बाहर मौजूदगी के बावजूद भी एक तरह का सन्नाटा वहां पर हमें पसरा हुआ नजर आ रहा है। बहरहाल रामलीला मैदान में चहल पहल शुरू हो चुकी है और लोगों का जमावड़ा, जैसी उम्मीद की जा रही थी कि क्या लोग पहुंचेंगे, फिलहाल इन तस्वीरों में तो लोग पहुंचते हुए नजर भी आ रहे हैं। हाथों में आप सबके झंडा देख पा रहे हैं जेडीयू का, और विशेष राज्य का दर्जा मिल सके बिहार को, इसी मांग के साथ जेडीयू के कार्यकर्ताओं के साथ ही साथ तमाम ऐसे बिहारी लोग हैं जो पहुंचे हुए हैं राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान। लेकिन वास्तव में जो दावे किए जा रहे थे कि 1 लाख से ज्यादा लोग पहुंचेंगे रामलीला मैदान, क्या वो दावा हकीकत में तब्दील होता हुआ नजर आएगा, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। दिल्ली में क्या दहाड़ेंगे नीतीश कुमार? अरविंद जी, बड़ा सवाल यही उठ रहा है, फिलहाल बिहार निवास की हमने तस्वीरें देखी, वहां पर कुछ लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं लेकिन एक तरह का सन्नाटा है, लेकिन कम से कम ये तस्वीरें जो इस वक्त रामलीला मैदान की देखी जा रही है ये थोड़ा उत्साह भर देंगी नीतीश कुमार को, और मेरे ख्याल से वो भी सुबह से टीवी ही देख रहे होंगे ताकि पता चल सके कि रामलीला मैदान में हो क्या रहा है। नहीं, मेरे ख्याल से टीवी नहीं देख रहे होंगे चित्रा, वो उनके सोए हुए नेताओं को उठाने में लगे होंगे कि रैली है, चलना है, लोगों को जुटाना है। अरविंद जी माफ कीजिए, असल में सबके पास गाड़ी घोड़ा है, अब पहले वाली तैयारी की जरूरत नहीं है। दूसरा ये भी कि अब उस तरह से जो हांक के लोगों को ले आते थे लगभग, वो भी नहीं है। जो लोग आ रहे हैं वो सोच समझ के आ रहे हैं, और जो हमको कमी दिख रही है या कम लोग दिख रहे हैं वो भी मुझे लगता है कि वो सोचे समझे वजह से ही है, क्योंकि NCR और दिल्ली में जो भी बिहारी रहता है वो कोई JDU को वोट नहीं देता, कोई RJD को वोट नहीं देता, वो उनकी सभाओं में जाते हैं, लालू जी की सभाएं होती हैं तब, या इन सब की सभाओं में जाते हैं, लेकिन वोट का जब मसला आता है तो उनको BJP और कांग्रेस के बीच ही चुनाव करना होता है, और आमतौर पे माइग्रेंट वोट का रुझान अभी तक कांग्रेस की तरफ रहा है। तो ये कंट्राडिक्शन एक है कि अपने मोहल्ले में अगर वो कांग्रेसी नेताओं को नाराज करके इनकी तरफ जाएं
या वो जाने की सूरत बची है क्या, क्योंकि किसी को मजदूरी करनी होगी, किसी को इतवार की छुट्टी मनानी होगी, और उसके बाद ये कष्ट लेके जाए कि जेडीयू की रैली में जा रहे हैं और अधिकार रैली में जा रहे हैं और ये गिने जाए कि हम नीतीश के सपोर्टर हैं, तो ये सूरत अगर बने तो मेरे हिसाब से विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर लोगों को उत्साहित करने की कोशिश की गई है जेडीयू की ओर से। अरविंद जी, चित्रा देखिए, इसमें यहाँ सवाल है, अवधेश जी आप भी सुनिएगा, जो मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ कि जनता दल में भी तो दो फाड़ दिखाई देते हैं, जैसा अरविंद जी ने भी जिक्र किया था कि जनता दल के कई सांसद बीजेपी से संपर्क में हैं, एक सांसद उनके नमो नमो का यज्ञ करा देते हैं, तो आखिर जनता दल भी नीतीश के नाम पर एकजुट है लगता है आपको?